बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ऑनरेबल जजेस, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको फेडरल जुडिशियल एकेडमी की तरफ से आज के इस वेबिनार में वेलकम करता हूं। फेडरल जुडिशियल एकेडमी ने अपनी आउटरीच को इनहेंस करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए डिस्टेंस लर्निंग को ऑप्ट किया और फिर हम स्विच किए वेबिनार्स पे ड्यूरिंग कोविड, और उसके बाद हमें इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आप लोगों का आया और वी kept on the practicing of the conducting webinars after every time we get an opportunity to do it. aapke jo feedback hame milti hai us feedback ko pesh nazar rakh ke hum topic select karte hain webinar ke, aur wo feedback to badi encouraging hoti hai. first of all I am thankful to that jo aapko hame messages, emails, text responses aate hain, those are very encouraging for us to conduct future webinars. टॉपिक्स जो आप सजेस्ट करते हैं वो टॉपिक्स जो कि मेजॉरिटी ऑफ द जजेस का हो उनको उठाते हैं। हम तमाम टॉपिक्स को देखेंगे इंशाल्लाह वन बाई वन, लेकिन जिन टॉपिक्स को ज़्यादा आप लोगों की डिमांड होती है उनको हम जल्दी लेके आते हैं। आज का टॉपिक यूज ऑफ आईटी इन जस्टिस सेक्टर इज ऑल्सो रियली वन ऑफ हाईली रिकमेंडेड टॉपिक बाय द जजेस फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। आज के हमारे टॉपिक में हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं आसिम हफीज साहब, वो आपको आईटी की अवेयरनेस देंगे और उसको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है टू द मैक्सिमम बेनिफिट इन द एवरीडे वर्क। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर आसिम हफीज द डिप्टी डायरेक्टर टू प्लीज कम अप एंड स्टार्ट द सेशन। अस्सलाम वालेकुम डियर जजेस, आई एम आसिम हफीज, अ सिविल जज फ्रॉम पंजाब जुडिशरी एंड सर्विंग एट फेडरल जुडिशियल अकेडमी एज डिप्टी डायरेक्टर। तो मैं अपनी सर्विस के एक्सपीरियंसेस के हवाले से सिविल जज, मैंने तकरीबन फील्ड में 9-10 साल काम किया है, उसमें जो चीज़ें प्रैक्टिकली मैंने अपनी कोर्ट वर्किंग को स्मूथ और रैपिड करने के लिए जो मैं उसको जिन टूल्स को आईटी के टूल्स को यूटिलाइज करता रहा और जो मेरे एक्सपीरियंसेस जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन अंदाज में मैंने उनकी मदद से अपनी कोर्ट की फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव किया, वो मैं इसी विश के तहत इसी यानी हवाले से पर्सपेक्टिव में मैं अपने कोलीग्स के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता रहा हूँ अब आज तक। और आज का जो वेबिनार है ये भी इसी जो है यानी पूरी सीरीज की कड़ी है। तो मैं कुछ टूल्स हैं जिनको आपके साथ शेयर करूंगा कि हम अपनी जुडिशियल वर्किंग में किस तरह आईटी के डिफरेंट डायनामिक टूल्स को इस्तेमाल करते हुए हम जो है इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, आज से तकरीबन 5-6 साल पहले मैं सियालकोट में सिविल जज recording of evidence but also for dictation of orders and judgments. तो इसका जो बड़ा यानी इसके साथ जो मुझे help मिली, जो boost मिला, वो मैं आपके साथ share करता हूँ। ये मैं screen share करूँगा। ये basically एक Google का built-in feature है, Google Chrome का। ये यानी कोई software मैंने ये खुद से नहीं बनाया, लेकिन ये built-in tool है जिसको कोई भी बंदा, कोई भी एक आम जो है यानी आप जो भी यूज़र हैं कंप्यूटर के, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल सॉफ्टवेयर और द स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। तो जब हम आज से अगर हम कोई 24-25 साल पीछे चले जाएं, इनिशियली एक सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस हुआ था ड्रैगन नेचुरली स्पीक, तो वो जो सॉफ्टवेयर था उसके थ्रू भी हम वॉइस टाइपिंग कर सकते थे, लेकिन उसमें जो है वो आपका एक वॉइस प्रोफाइल बिल्ड करता था और उस वॉइस प्रोफाइल के को बिल्ड करने में अच्छी खासी आपको एक्सरसाइज करना पड़ती थी बड़ी मेहनत के साथ। डिफरेंट पैराग्राफ्स आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्प्ले होते थे जिनको आप रीड आउट करते थे और आपका एक वॉइस प्रोफाइल मेंटेन होता था, और किसी लेवल पे जाके जब उसमें एक्यूरेसी, उसमें पिच, इंटोनेशन, वो सारी चीज़ें आ जाती थी उसके अंदर और उसका आपका एक डेटाबेस अपना पर्सनलाइज्ड बिल्डअप होता था, तो फिर जाके कहीं 50-60% एक्यूरेसी उसमें होती थी। लेकिन ये जो टूल है जो गूगल का है बिल्ट इन फीचर, ये फ्रॉम डे वन आप जब इसको यूटिलाइज करेंगे और आपके जो लोकल रीजनल जो एक्सेंट्स हैं इनको जो ऑटोमेटिकली ये इसको पिक करता है।
तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। इसका सिंपल प्रोसीजर है कि आपने गूगल क्रोम सबसे पहले आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। जिस भी सिस्टम पे आप इसको यूटिलाइज कर रहे हैं आपके पास गूगल क्रोम इंस्टॉल्ड होना चाहिए। ये आपको स्क्रीन पे गूगल क्रोम नजर आ रहा है। इज इट विजिबल प्लीज? ओके अमीर क्लियर अपने वो देखें। जी ये आपको गूगल क्रोम नजर आ रहा है। आपने सिंपली इसके अंदर एड्रेस बार में drive.google.com ये टाइप करना है, या इसका दूसरा है docs.google.com। docs जो है वो डॉक्यूमेंट्स की एब्रीवेशन है, चूंकि ये मैं जैसे आपको बता रहा हूँ ये एक गूगल का एमएस वर्ड की तरह का फीचर है जिसको आप यूटिलाइज करेंगे। आप गूगल क्रोम ओपन करने के बाद एड्रेस बार में लिखेंगे drive.google.com जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, तो एंटर करेंगे। इसको एंटर करेंगे तो अगर आपका ऑलरेडी कोई आईडी जो है गूगल का वो लॉगिन है तो आपको स्ट्रेट अवे ये आपके ड्राइव के अंदर ले जाएगा, और ये इंटरफेस जो स्क्रीन पे आपके पास डिस्प्ले हो रहा है ये इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। लेकिन अगर आप फॉर दी फर्स्ट टाइम उसमें कोई आपने आईडी वगैरह लॉगिन नहीं किया तो वो आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि ईमेल आईडी और पासवर्ड वो आप उसमें एंटर करें उसके लिए लॉगिन के लिए। तो ये चूंकि मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है इसको मैं अब इससे नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ। इससे नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप ये लेफ्ट साइड पे स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले हो रहा है ये न्यू का बटन, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से गूगल डॉक्स के नाम का ऑप्शन आपको टॉप का जो इसकी मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं गूगल क्रोम की जिसमें गूगल डॉक्स है, शीट्स है, स्लाइड्स है, फॉर्म्स है, और इवन उसके बाद ये है गूगल जैमबोर्ड, ठीक है, और ऐप स्क्रिप्ट कुछ आपसे रेलिवेंट है। जो मेनली जिसको हम अभी यूटिलाइज कर रहे हैं वो है गूगल डॉक्स। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, इसमें एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपका इंटरनेट स्पीड जितनी अच्छी होगी उतनी इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी होगी। तो अगर इंटरनेट स्पीड जो है वो बेहतर नहीं होगी तो इसके रिजल्ट्स में फर्क आ सकता है और उसकी एक्यूरेसी में जो है वो डिस्टरबेंस हो सकती है। तो आप इसको जब ये न्यू फाइल क्रिएट करेंगे तो बाई डिफॉल्ट इसका कोई नाम नहीं है, ये अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट होगा। अच्छा, इसका बाय डिफॉल्ट अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट होगा। आप इसमें सिंपली इसके बाद इसको अगर रीनेम करना चाहते हैं तो आप इसमें यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे टॉप पे आ रहा है आप इसको डबल क्लिक करेंगे, अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट जैसे लिखा है इसको डबल क्लिक करेंगे तो आप इसको रिमूव करके अपनी मर्जी से कोई भी फाइल का नाम देना चाहें। ये एक केस टाइटल की तरह का, यानी अगर आप इसको केस के लिए या किसी भी पर्पस के लिए आप ये फाइल क्रिएट कर रहे हैं जो इसका नेम रखना चाहें, लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे जहाँ पे अनटाइटल डॉक्यूमेंट था वहाँ पे आप डबल क्लिक करके जो एग्जिस्टिंग नेम है जो अनटाइटल नेम से आ रहा था इसको आप इरेज कर देंगे और इसको एक नया नाम उसमें टाइप कर दें। अगर आप नहीं भी करेंगे तो ये आपके गूगल ड्राइव में अनटाइटल डॉक्यूमेंट के नाम से ये फाइल सेव रहेगी। तो अब इसमें नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है टूल्स। अब आपने एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया, उसको नेम भी दे दिया और उसके बाद आप टूल्स मेन्यू पे क्लिक करेंगे। अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे नंबर वन, और नंबर टू ये है कि आपका गूगल क्रोम में इसको ऑपरेट कर रहे होंगे तो फिर आपको यहाँ पे टूल्स मेन्यू के अंदर ऑप्शन मिलेगा वॉइस टाइपिंग का। और अगर ये ब्राउजर कोई और होगा गूगल क्रोम के अलावा, जैसे मोज़िला फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एज है या कोई और ब्राउजर है, उसमें जब अगर आप लॉगिन करेंगे तो आपको ये वॉइस टाइपिंग का टूल उसके अंदर शो नहीं होगा। तो आप इसको वॉइस टाइपिंग पे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे आपकी स्क्रीन में ये इसको माइक्रोफोन का सिंबल डिस्प्ले हो जाएगा। ये इस वक्त ब्लैक कलर में है विच मीन्स के ये इस वक्त डिसेबल्ड है,
ये फंक्शन नहीं कर रहा, तो आप इसको एक्टिवेट करने के लिए, इसको यूटिलाइज करने के लिए जस्ट आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। और यानी क्लिक करने से पहले इसी के माइक के ऊपर देखिएगा, ये आपको यहाँ पे इंग्लिश यूके के नाम से वो डिस्प्ले हो रही है लैंग्वेज। और अगर आप इसको किसी और लैंग्वेज में भी वॉइस टाइपिंग करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। इसमें ड्रॉप डाउन का एक एरो आपको नजर आ रहा है माइक के ऊपर ही राइट साइड पे, ये मैं क्लिक करता हूँ। ये डिफरेंट लैंग्वेजेस का ऑप्शन, अगर आप इन लैंग्वेजेस में से कोई बोलने पे महारत रखते हैं तो आप इस टूल को यहाँ पे वॉइस टाइपिंग को उस लैंग्वेज के वाले से भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अब मैं एक सपोज एक छोटा सा जो है पैराग्राफ इसको डिक्टेट करवाता हूँ, वो यानी जो आज का जो मकसद है आपको बताने का। अब मैं इसको जस्ट क्लिक करना है माइक्रोफोन को तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और रेड कलर में हो जाएगा और लिसनिंग स्टार्ट कर देगा, और उसके बाद आप जो बोलेंगे वो वॉइस टाइपिंग की शक्ल में ये टाइप करेगा। इट इज करेक्ट दैट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द बेस्ट इन्वेंशन ऑफ द प्रेजेंट एरा एंड we can utilize the tools of modern technology every day in order to enhance the speed and perfection of our official business, particularly with respect to judicial business and the functionality of the courts within Pakistan. I highly recommend the tool of voice typing so that the judges who normally get exhausted by way of various dictations and errors and mistakes by the stenographers. So if we have a profound command upon usage of this tool, I'm sure that there will be the change of dynamics in judicial arena. ठीक है जी, ये एक पूरा पैराग्राफ मैंने इसमें डिक्टेट करवाया, ये आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह। इसको मैं थोड़ा सा फर्दर जूम भी कर देता हूँ। ठीक है, इसमें मेरा ख्याल है कि बहुत रेयर कोई मिस्टेक्स जो है वो अगर आप देखेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह इसने जो परफेक्शन, जो स्पीड, एक्यूरेसी वो आपके सामने है। तो इसका ये है कि आपने थोड़ा सा एक तो प्रैक्टिस जितनी अच्छी करेंगे इस टूल की, और इससे आपने फेड अप नहीं होना। आगाज में भी कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा ना रहे, लेकिन आपने इससे फेड अप नहीं होना। एक दिन यही जो, बल्कि मैंने जैसे आपको बताया, इंशाल्लाह फ्रॉम डे वन आपको इसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिलेगा और आप फेड अप नहीं होंगे, आप बल्कि इनकरेज होंगे कि इसको मुझे यूटिलाइज करना चाहिए। तो अगर इन केस कोई आपका एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम अच्छा नहीं रहता, तो जैसे मैंने दो तीन चीज़ें बताई हैं कि आपका इंटरनेट स्पीड का इशू हो सकता है, इंटरनेट स्पीड इन्हांस कर लें, आपका जो है वो स्पीड, जो बोलने की स्पीड है, फ्लुएंसी है, उसका इशू हो सकता है, आपका जो है प्रोनंसिएशन का इशू हो सकता है। तो उसको जितना ज़्यादा आप क्लियर करेंगे, चीज़ों को जितना इम्प्रूव करेंगे, उतनी बेटर आपको इसके जो रिजल्ट्स हैं वो मिलेंगे। इसको आप एविडेंस राइटिंग में यूज़ करें, इसको आप उसमें बेशक ऑर्डर डिक्टेशन में यूज़ करें, ये टूल आपके पास मौजूद है। अब इसी के पैरेलल जो इसका अगला फीचर है वो है ट्रांसलेटर का। यानी आप एक डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट किया, वॉइस टाइप किया, या इवन ऑलरेडी क्रिएटेड डॉक्यूमेंट है, उसकी आप ट्रांसलेशन चाहते हैं कि एक लैंग्वेज से दूसरी में हो, तो उसका जो पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जितना भी आपका कंटेंट है वो सारा किसी एक यूनिफॉर्म लैंग्वेज में होना चाहिए। यानी अगर इंग्लिश टू उर्दू आप करना चाह रहे हैं तो आपकी जितनी भी फाइल जो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है या जिसको आप ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं, वो सारे के सारा टेक्स्ट जो है, वो कंटेंट जो है, वो इंग्लिश में होना चाहिए, और उसको किसी दूसरी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट करवा सकते हैं। इसी तरह उर्दू में, अगर उर्दू से इंग्लिश करना है तो आपका जितना कंटेंट है वो उर्दू में होना चाहिए, और किसी भी दीगर जो अवेलेबल लैंग्वेज में उसमें आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं।
अब जैसा मैंने ट्रांसलेटर का बताया उसी तरह आप टूल्स मेन्यू पे आएंगे, यहाँ पे ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आपको मिलेगा। ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट जब आप क्लिक करेंगे तो फाइल का जो आपने नाम रखा हुआ है उसके साथ आ जाएगा ट्रांसलेटेड कॉपी ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइल जो आपने उसको नाम दिया हुआ है। आप ये आपको इसको कोई नेम देने की ज़रूरत नहीं, अपनी मर्जी का भी देना चाहे तो दे सकते हैं। एनी हो ट्रांसलेटेड कॉपी तो आ ही गया। अब इसके बाद आपको लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस वो दे रहा है कि आपने किस लैंग्वेज में इसका ट्रांसलेशन करना है। तो मैं चूंकि उर्दू में विश कर रहा हूँ, मैं यहाँ से लिस्ट में से उर्दू लैंग्वेज सेलेक्ट करूँगा। अल्फाबेटिकली ये लैंग्वेजेस हैं, यहाँ से ट्रांसलेट पे क्लिक किया। अब ये उसी पैराग्राफ को इसने उर्दू ट्रांसलेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो आप ये जो है यानी इस टूल को, ट्रांसलेटर के टूल को भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं एक बेहतरीन अंदाज में। अब इससे आगे आता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप मल्टीपल लैंग्वेजेस में वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं। अभी हमने इंग्लिश में किया, लिस्ट में और भी कीबोर्ड्स मौजूद हैं इंग्लिश के अलावा भी और इंक्लूडिंग उर्दू। तो हम अब उर्दू की तरफ स्विच करते हैं। अगर आप उसके अलावा किसी और लैंग्वेज में भी करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। मुझे बल्कि एक एक्सपीरियंस हुआ, एक कोलीग ने मुझे कॉल किया कि जी मेरे पास एक विटनेस ऐसा आ गया, वो छोटी सी स्टेटमेंट है, दो चार फ्रेजेस बोलना चाह रहा है, कोई कंप्रोमाइज टाइप, लेकिन ये है कि मुझे उसकी समझ नहीं आ रही। वो शायद इटालियन लैंग्वेज थी या वो ऐसी लैंग्वेज थी जो इसकी लिस्ट में मौजूद थी, तो इटालियन थी या जर्मन थी, वट एवर इट वॉज। उन्होंने कहा जी मुझे उसकी समझ नहीं आ रही। तो मैंने कहा कि आप इसमें जो भी बात उस विटनेस को कहना चाहते हैं आप इसमें टाइप करके उसकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके स्क्रीन पे उसको डिस्प्ले करा दें, उसको समझ आ जाएगी कि आप उससे क्या पूछना चाह रहे हैं। और इसी तरह वो जो बोलेगा उसको वॉइस टाइपिंग करवा लें, ठीक है। वॉइस टाइपिंग से आप ट्रांसलेट करवा के इंग्लिश में या उर्दू में जो आप करना चाहते हैं, जिस जो आपकी अंडरस्टैंडिंग की लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करा लें। और वो थोड़ी टाइम के बाद उनकी दोबारा जज साहब ने मेरे से कॉन्टेक्ट किया और एंड ही वॉज थैंकफुल। उन्होंने कहा कि जी ये वाकई मेरा सक्सेसफुल एक्सपीरियंस रहा, मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा था कि मैं कोई ट्रांसलेटर जो है उसका अरेंज करूँ, किसी को बुलाऊँ तो फिर जाके मैं अंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन इस टूल की मदद से मैंने वो भी टास्क जो है बड़ा इजीली परफॉर्म कर लिया। अब जैसा मैंने आपको बताया ये लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस है, इसमें आप क्लिक करके जो भी लैंग्वेज वॉइस टाइप करना चाहते हैं, मैंने उर्दू पाकिस्तान कर ली। ये करने के बाद उसी तरह माइक्रोफोन पे क्लिक करेंगे, ये रेड हो जाएगा तो ये डिक्टेशन लेना शुरू कर देगा और आप इसको जो बोलेंगे उसी तरह वो वॉइस टाइप करेगा। मेरे ख्याल के मुताबिक आज के दौर में नई इजादात का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए और इनकी मदद से बहुत से दफ्तरी अमूर को निपटाना चाहिए। इसी सिलसिला में फेडरल जुडिशल एकेडमी इस्लामाबाद में आज इंटरनेट पर वीडियो लिंक के जरिया पूरे पाकिस्तान से सिविल जज साहबान एक सेशन अटेंड कर रहे हैं। अब ये देखिए इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्शन का लेवल आपके सामने है। छोटी मोटी गलती का इस्तेमाल तो वो इंसान से भी हो जाता है, हमारे स्टेनोग्राफर बहुत सारी गलतियां करती हैं, लेकिन इसकी आप परफेक्शन देखेंगे तो किसी बहुत ही कॉम्पिटेंट स्टेनोग्राफर के इक्वल इसकी परफेक्शन है। तो ये आप यहाँ से वॉइस टाइप करके अगर एडिटिंग के लिए स्टेनोग्राफर आज उर्दू इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में एडिट भी कर लेते हैं तो आप एडिटिंग के लिए उसकी मदद ले सकते हैं। इसी का प्रिंट आउट लेके उसमें मैनुअली भी एडिटिंग उसको दे सकते हैं करेक्शन के लिए, और सॉफ्ट कापी अगर आप खुद से कर लें तो ये तो और ज़्यादा अच्छी बात है कि एक मैं समझता हूँ जुडिशल ऑफिसर को अब एडिटिंग पे भी अबूर होना चाहिए। इतना तो चूंकि अपनी वर्किंग का ये बेसिकली आपके लिए ये एक हेल्पिंग टूल है, और मुझे तो जो जहां तक याद पड़ता है हम बल्कि वकालत के दौर में भी देखा करते थे कि हमारे जज साहबान जो है एविडेंसेस लिख लिख के
उनके बाजुओं में कंधों में शदीद दर्द शुरू होता था। तो ये जो टूल है ये आपको उस वाले से भी बहुत हेल्पफुल है कि आपको एक फिजिकल कंफर्ट भी ये देता है। और आप जस्ट मेरी एक बल्कि इसमें वीडियो भी है, मैं देखता हूँ, वो भी आपको प्ले करके दिखाऊंगा। उसके अंदर मैंने अपनी एविडेंस जो रिकॉर्ड कर रहा था, यानी जैसे जैसे विटनेस बोल रहा है उसको ये किया कि मैं विटनेस से सुनने के बाद खुद से वॉइस टाइप करता था एक एक सेंटेंस करके। तो एक तो उसमें सफाई का एलिमेंट, यानी आपके डॉक्यूमेंट बड़े खूबसूरत और साफ सुथरे और प्रिंटेड फॉर्म में वो नजर आते हैं, और उसमें हमें जो हैंड रिटन एविडेंस है उसमें बहुत ये भी एक इरिटेशन होती है कि एक जुडिशियल ऑफिसर की राइटिंग जो है किसी दूसरे के लिए पढ़ना अक्सर औकात जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो फिर कुछ चूंकि हमने स्पीडी वर्किंग करनी होती है तो राइटिंग की वो क्लैरिटी का लेवल वो नहीं रहता। तो इस हवाले से भी ये आपके लिए एक बड़ी हेल्पफुल चीज है। अब इससे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ हम जाते हैं। इससे नेक्स्ट सेगमेंट है ट्रांसक्रिप्शन का। एक तो ये चीज है कि हम लाइव जो है वो कर रहे हैं कि यानी डिक्टेट कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया या ये स्क्रीन पे हमारे सामने ये मौजूद है डॉक्यूमेंट। तो हम दूसरा इसके अलावा एक फीचर है ट्रांसक्रिप्टर का, वो ये है कि अगर आप प्री रिकॉर्डेड ऑर्डर्स हैं, आपने वॉइस टाइप किए हुए हैं, आपने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग की शक्ल में उसकी डिक्टेशन जो है वो रखी हुई है और आप चाहते हैं कि वो प्ले कर दें और आप खुद से ये टाइप होता जाए तो ये भी पॉसिबल है। इसके लिए आपको जस्ट करना क्या है, आपने गूगल ही करें, आप गूगल में लिखिए वर्चुअल केबल वीबी ऑडियो, ठीक है, वर्चुअल केबल वीबी ऑडियो वर्चुअल केबल, ये आप ओपन करेंगे। ये एक एप्लीकेशन है विंडोज के लिए, ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर ले यहाँ से। ये आपको जो ऊपर वाला ऑप्शन नजर आ रहा है ये उसके लिए विंडोज के लिए, नीचे वाला एप्पल उसके लिए, वो अपना दूसरे उसके लिए कंप्यूटर्स के लिए, और ये विंडोज का जो इन्वायरमेंट है उसके लिए ये है और एप्पल इन्वायरमेंट के लिए नीचे वाला है। एनी हो, आप विंडोज वाला डाउनलोड कर लें या जो भी आपका एनवायरनमेंट है उसके लिए ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आप ये लेफ्ट बॉटम पे ये जो है आपका विंडोज का सिंबल उस पर क्लिक करेंगे और साउंड सेटिंग्स, ये डिस्प्ले नहीं हो रहा होगा है ना, ये साउंड सेटिंग की स्क्रीन अभी मैंने शेयर की है। इसको आप विंडोज पे क्लिक करके सर्च करेंगे साउंड सेटिंग्स, ठीक है, साउंड सेटिंग्स आप सर्च करेंगे। अमीर ये प्लीज कंफर्म कीजिएगा आपको ये स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है ना हैंड रेज करके, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, इसको आप जो है इसमें देखेंगे कि साउंड सेटिंग्स में आप जाएंगे, ये जो लेफ्ट बॉटम पे होता है किसी भी विंडोज एनवायरनमेंट में विंडोज का एक आइकॉन होता है उस पर आप क्लिक करते हैं जिसको स्टार्ट बटन कहते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद आप सर्च करेंगे साउंड सेटिंग्स, साउंड सेटिंग सर्च करेंगे तो ये उसको ओपन करेंगे तो ये स्क्रीन जो आपको डिस्प्ले हो रही है ये आ जाएगी। इसमें आप देखेंगे आपके पास दो जो है वो उसके डिवाइसेस होते हैं, दो किस्म के डिवाइसेस होते हैं ऑडियो के, एक है आउटपुट और एक है इनपुट। अब आपने जो सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया वर्चुअल ऑडियो वीबी केबल वाला, उसको अगर आपने इंस्टॉल कर लिया होगा तो वो आपके यहाँ पे आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस दोनों में लिस्ट में वो डिस्प्ले हो रहा होगा। अब ये मैंने क्लिक किया, मेरे पास ये केबल इनपुट वीबी ऑडियो वर्चुअल केबल ये डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। मैंने अब करना क्या है, मैंने आउटपुट और इनपुट दोनों डिवाइसेस जो हैं वो इसी के ऊपर सेट कर देने। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि आप ये क्लिक करते हैं और ये जो है ये स्पीकर का सिंबल, इसको भी जरूर चेक कीजिएगा
कि ये इसके साथ वो एक वेव्स की शक्ल में वो नजर आ रहा हो, यानी ये एक्टिवेट हो। समटाइम्स ये डिसेबल होता है, आप इधर से केबल इनपुट कर भी देते हैं लेकिन ये नीचे से ऑफ होगा तो ये उसकी थिंक वो जो है वो नहीं कर सकेगा और वॉइस टाइपिंग का ऑब्जेक्ट आपका अचीव नहीं होगा। तो इसको आपने क्लिक, एक दफा क्लिक करेंगे ये एक्टिवेट हो जाएगा, यानी इसके साथ वो लेयर्स शो कर रहा होगा कि ये इस वक्त स्पीकिंग मोड में है या ये पास ऑन कर रहा है एक वॉइस। तो इसी तरह नीचे इनपुट डिवाइस है, ये इसने, इस सॉफ्टवेयर ने दो वर्चुअल जो है डिवाइसेस क्रिएट कर दी हैं, एक इनपुट है और एक आउटपुट है। अब इन अपनी साउंड सेटिंग में दोनों जो डिवाइसेस हैं उनको एडजस्ट करेंगे उसके ऊपर, इनपुट और आउटपुट के ऊपर। अब ये होगा कि मैं जब यहाँ से यानी अब चूंकि मैं इसको सेट कर रहा हूँ इसका माइक्रोफोन वो उसके वर्चुअल केबल के साथ, तो मैं अभी थोड़ी देर के बाद जो भी बोलूंगा वो आप तक कन्वे नहीं होगा चूंकि मेरा माइक्रोफोन जो है वो शिफ्ट हो जाएगा उसके ऊपर वर्चुअल केबल के ऊपर। फिर उसके बाद आप जस्ट इसको स्क्रीन पे देखिएगा, मैं उसमें एक ऑडियो फाइल ऑर्डर जो डिक्टेटेड है वो प्ले करूंगा और वो उसी तरह टाइप होना शुरू हो जाएगी। Through this application, the petitioner claims that he has filed through this application, the petitioner claims that he has filed this petition to get guardianship certificate as he is the real father of the minors. It is stance of the petitioner that the minor who wishes to get admission in a local school, so the school administration has desired a guardianship certificate from the petitioner in order to submit the admission. आई एम अगेन ऑन द माइक्रोफोन और मैंने थोड़ी देर के लिए शिफ्ट किया था इसको ज़रा जूम के ऊपर डिस्प्ले करने में थोड़ा सा, क्योंकि दो तीन स्क्रीन इन्वॉल्व होती हैं और उस वजह से शायद आपको मैं प्रॉपरली जो है, वैसे तो ये आपने देखा होगा कि ये दो तीन फ्रेजेज जो हैं उसके अंदर उसने टाइप किए हैं। ये मेरी एक प्री रिकॉर्डेड ऑडियो फाइल थी, जब मैं इसको आउटपुट और इनपुट डिवाइस जो है वीबी ऑडियो पे वो सेट करता हूँ, एडजस्ट करता हूँ साउंड सेटिंग्स के अंदर, उसके बाद मैंने जस्ट अगला नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि वो जो ऑडियो फाइल है जो प्री रिकॉर्डेड ऑर्डर की फाइल है उसको प्ले कर देना। वो प्ले करने के बाद मैं दोबारा इधर टूल्स मेन्यू पे आके वॉइस टाइपिंग पे उसी तरह, ये बेशक ये पहले से ओपन पड़ी हो ये फाइल जिसके अंदर मैंने टाइपिंग करनी है, ये फाइल ओपन पड़ी हो,
मैं उधर से दूसरी यानी बैक एंड से उस वॉइस फाइल को प्ले कर दूंगा, वो प्ले करने के बाद मैं इधर आके जस्ट माइक्रोफोन पे क्लिक कर दूंगा, और जब मैं इधर क्लिक करूंगा उसके बाद ये ऑटोमेटिकली जो चूंकि इसका जो सोर्स ऑफ वॉइस है वो वर्चुअल उसके ऑडियो के ऊपर शिफ्ट हो चुका होगा, तो इस वजह से उस सोर्स के शिफ्ट होने की वजह से जो फाइल उस वक्त प्ले हो रही होगी वो टाइपिंग होना शुरू हो जाएगी। तो आप उसको जो है यानी अगर कोई यूट्यूब पे भी इवन कोई लेक्चर है किसी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में या जो इसकी अवेलेबल लैंग्वेजेस हैं, उसको भी आप प्ले कर दें बैक एंड पे, और इस टूल की मदद से जब आप माइक को एक्टिवेट करेंगे तो वो उस लैंग्वेज में टाइप करना शुरू कर देगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है, आप इसको ट्रांसक्रिप्शन का फीचर कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन आप इसके थ्रू कर सकते हैं कि प्री रिकॉर्डेड जो ऑर्डर्स हैं, जजमेंट्स हैं, आप उसको यहाँ पे वॉइस टाइप करवा सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट सेगमेंट आता है, वॉइस टाइपिंग को आप मोबाइल फोन के अंदर भी उसी फीचर को यूटिलाइज कर सकते हैं। अब मैं आपको मोबाइल फोन का एक एनवायरनमेंट डिस्प्ले करूंगा जो एंड्रॉयड का है। आईफोन में भी सेम फीचर अवेलेबल है, और मैं जो स्क्रीन पे इस वक्त डिस्प्ले करूंगा वो इसका एंड्रॉयड एनवायरनमेंट है। एंड्रॉयड के ऊपर आपके पास इस तरह का मोबाइल स्क्रीन जो है वो अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपने सबसे पहले जो गूगल प्ले स्टोर में इस पे टैप करके आपने यहाँ पे एक एप्लीकेशन सर्च करनी है, जी बोर्ड, अगर आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड नहीं है, और अगर इंस्टॉल्ड है तो इट्स ओके। अब जी बोर्ड जब आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी इंस्टॉल होने के बाद ये आप राइट साइड पे देखिए ओपन बटन, ये मोबाइल में आप इस पर टैप कीजिए। जब आप टैप करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको सिर्फ इंग्लिश, यूएस लैंग्वेज, ये लैंग्वेजेस का सबसे टॉप पे टैब है या बटन है, इसमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश यूएस नज़र आ रही होगी। तो इसमें अगर आप फर्दर कोई लैंग्वेज जैसे मैंने उर्दू का बताया वो ऐड करना चाहते हैं, जस्ट आप इस पर टैप करेंगे और उसके बाद ये ऐड कीबोर्ड का बटन आपको मोबाइल स्क्रीन पे मिलेगा, ये आप करेंगे तो ये आपके पास एक लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस आ गई है। इनमें से जो भी कीबोर्ड आप ऐड करना चाहें ये आपकी चॉइस है। मैंने जैसे उर्दू वाला किया हुआ है तो बॉटम में इसमें उर्दू का भी ऑप्शन अवेलेबल है। मेरे पास चूंकि ऑलरेडी एडिड है अब इसमें जीबोर्ड की एक नेक्स्ट सेटिंग जो आपने चेक करनी है वो है, आप यहाँ पे देखेंगे लैंग्वेजेस तो आपने दो ऐड कर ली या अगर जो आपकी चॉइस है वो आप ऐड कर चुके हैं, उसके बाद आपने एक चीज जो फीचर चेक करना है कि वो एनेबल्ड है या नहीं, वो है वॉइस टाइपिंग का। इसी जीबोर्ड के अंदर आपको ये फीचर मिल रहा है, ये एक्टिवेटेड होना चाहिए, और ये मेरा चूंकि ये देखिए ये ब्लू कलर में शो हो रहा है और इट इज करंटली एक्टिवेटेड। अगर मैं इसको टैप करूंगा ये डीएक्टिवेट हो जाएगा और ग्रे कलर में हो जाएगा। दोबारा क्लिक करूंगा या टैप करूंगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। जब ये एक्टिवेट होगा तो इट मीन्स के इट इज इन अ पोजिशन टू लिसन नाउ। और आप ये जो वॉइस टाइपिंग का फीचर है ये जरूरी नहीं कि आप लैपटॉप ही या फिजिकली जो बिगर गैजेट्स हैं उन्हीं को आप यूज़ करके तो ये यूज़ कर सकते हैं, बल्कि आप इसको अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी बड़ा इजीली किसी जगह कंफर्टेबली बैठे डिक्टेशन भी कर सकते हैं अपने प्राइवेट एनवायरनमेंट में, जैसे आपकी कन्वीनियंस है। अब इसके साथ जी बोर्ड जब आप इंस्टॉल कर चुके हों, इसके साथ एक एप्लीकेशन और आपको चाहिए, वो है डॉक्स की।
ये गूगल डॉक्स की एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में उसी तरह आप सर्च करेंगे गूगल डॉक्स या डॉक्स लिख देंगे सिंपल, ये ब्लू कलर का आइकॉन है और ये एप्लीकेशन आपको डिस्प्ले हो रही है स्क्रीन के ऊपर, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। इट इज पैरेलल टू वो जो आपको मैंने गूगल क्रोम में गूगल डॉक्यूमेंट्स का फीचर दिखाया, ये वही आपको एंड्रॉयड के एनवायरनमेंट में या आईफोन दोनों एनवायरनमेंट्स में अवेलेबल है। अब ये मेरे पास डॉक्स इंस्टॉल्ड है, ठीक है, इसी तरह ये जी बोर्ड इंस्टॉल्ड है, ये स्क्रीन विजिबल, ठीक है, जी बोर्ड इंस्टॉल्ड है, डॉक्स इंस्टॉल्ड है, मैं ये डॉक्स जो है इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। ओपन करने के बाद मैं कोई भी फाइल नहीं क्रिएट करना चाहूँ, नहीं कर दूँ, जैसे अभी ये मैंने वो क्रिएट की थी ये फाइल आपको उसी ड्राइव में शो हो रही है, ये मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये आपके मोबाइल का एनवायरनमेंट है एंड्रॉयड का, आपको जब आप नई फाइल क्रिएट करना चाहते करते हैं तो उसके बाद आपको ये राइट साइड पे एडिटिंग का ये जो पेन है बॉटम में ये शो हो रहा है, इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको ये कीबोर्ड स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाता है। जब ये कीबोर्ड जो है बाय डिफॉल्ट आपको इंग्लिश में डिस्प्ले हो रहा होगा, इसको आप इसके कीबोर्ड के टॉप राइट कॉर्नर पे देखेंगे एक छोटा सा सिंबल है माइक्रोफोन का, आप इस पे जब टैप करेंगे तो ये लिसनिंग स्टार्ट करेगा, ठीक है। इसको आप जस्ट टैप करने के बाद जब ये स्पीक नाउ का ऑप्शन आए तो इट मींस कि अब ये लिसनिंग स्टार्ट कर चुका है और ये डिक्टेशन लेगा। इट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ दैट द कंप्लेनेंट पार्टी हैज टू एड्यूस एन एविडेंस विच इज एक्सेप्टेबल from its very nature beyond the shadow of a slight doubt and in case there are doubts in the story then the court liberally exercises in favor of the accused who is deemed to be favorite child of law. अब ये देखिए, ये इसमें मैंने टाइपिंग की, जैसे मैंने आपको बताया कि गलती का इस्तेमाल रहेगा, छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं इनको करेक्ट किया जा सकता है, लेकिन इसकी बेस पे हम ये नहीं कह सकते कि ये टूल हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है। अगर 95% बल्कि मैं तो कहता हूँ 80% तक भी एक्यूरेसी दे रहा है तो इवन देन इट इज़ वेरी मच हेल्पफुल। लेकिन ये जो अगर आपके सामने मैंने एक पैराग्राफ डिक्टेट करवाया, इसको अगर हम देखें तो ये तकरीबन मोर देन 95% इसकी एक्यूरेसी है, तो हम इसको बिल्कुल प्रैक्टिकली इस टूल को मोबाइल के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो आपको जैसे स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये फाइल मेरे उसी गूगल ड्राइव के अंदर क्रिएटेड है और उसी में टाइप हो रही है जो कि मैं कंप्यूटर में जैसे कर रहा था, तो इसको जब मैं मोबाइल पे भी टाइप करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरे गूगल ड्राइव में ये चली जाएगी या सेव हो जाएगी। तो आप अपनी जुडिशियल वर्किंग के लिए एक गूगल ड्राइव जो है उसका गूगल का एक सेपरेट आईडी, यूनिक आईडी क्रिएट कर सकते हैं, जो अगर आप किसी स्टेनोग्राफर के साथ भी शेयर करना चाहें उसका पासवर्ड जो आपके पास भी हो तो दैट कैन बी डन वेरी इजीली, क्योंकि गूगल का फ्री टूल है, फ्री आईडीज हैं, आप एक आईडी क्रिएट कर लें अपनी जुडिशियल वर्किंग के लिए, तो उसमें इसी तरह आप वॉइस टाइप करते जाएं। अगर कोई एडिटिंग का इशू आता है तो आप बेशक प्रिंटेड फॉर्म में लेके उसको मैनुअली एडिट वो करेक्शन जैसे हम करके स्टेनोग्राफर के वाले करते हैं, तो टाइप्ड फाइल तो ऑलरेडी उसके पास होगी, तो आप इसको करेक्शन करके उसको उसके वाले करेंगे तो आपका टाइम भी काफ़ी सेव होगा और आप इंशाल्लाह इसमें स्मूथ फील करेंगे अपनी जुडिशियल वर्किंग में। तो अब ये तो मैंने बताया आपको ये इंग्लिश लैंग्वेज में टाइपिंग है, इसी तरह जैसे मैंने बताया कि उर्दू में भी हम कर सकते हैं, तो ये इसके लिए सिंपली आपने इसके जो बॉटम पे इसी कीबोर्ड जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये बॉटम पे ये देखिए, ये आपका एक ग्लोब का सिंबल है, ये ग्लोब का सिंबल जो इंग्लिश लैंग्वेज जहाँ पे स्पेस बार पे लिखा हुआ है इसकी लेफ्ट साइड पे, इस पे
जब आप टैप करेंगे तो ये जितने भी आपने लैंग्वेजेस इंस्टॉल की होंगी अपने मोबाइल के अंदर, मैंने तो अभी एक ही की है उर्दू की, तो ये वन बाय वन उनको स्विच करके नेक्स्ट लैंग्वेज पे जाएगा और उसी तरह आपको वॉइस टाइपिंग का ये फीचर अवेलेबल होगा। अब मैं ये ग्लोब पे क्लिक करता हूँ, टैप करता हूँ, अब ये मेरा कीबोर्ड उर्दू लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया और इसके साथ ही मुझे ये लेफ्ट टॉप पे ये एक माइक्रोफोन का स्मॉल माइक्रो सिंबल ये नज़र आ रहा है। तो इस कीबोर्ड को जो जीबोर्ड का है, इसको हम किसी भी एप्लीकेशन जिसके अंदर कीबोर्ड यूज होता है मोबाइल फोन के अंदर उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे हमारा व्हाट्सएप है या कोई अपना कोई भी दीगर मैसेजिंग की कोई एप्लीकेशन है, इस तरह से डिफरेंट एप्लीकेशन में हम इसको यूज कर सकते हैं। अब ये जैसे मैंने बताया उसमें था यानी स्पीक नाउ का हम वेट करते थे, इसमें है आगाज किया जा रहा है, आप बोलें या डिक्टेट करवाएं, इस तरह की आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगी और जब वो डिक्टेशन लेना शुरू कर दे तो तब आप बोलेंगे तो वॉइस टाइपिंग ये करेगा। लेकिन इसमें फिर वही रिकमेंडेशन है, इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी रखी है ताकि अच्छे रिजल्ट आप ले सकें। अब मैं ये इसको टैप करता हूँ, अदालती अमूर को बेहतर अंदाज में निपटाने के लिए हमें आज की इजादात का सहारा लेना पड़ता है। ये मैं थोड़ा सा इसी सिलसिला में आज हम ये खुद देख रहे हैं कि कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी बेहतरीन मुआवन है और इसको हम शहादत कलमबंद करने से लेकर हुक्म तहरीर करवाने तक हर मरहला पर अपने अदालती कार्रवाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थोड़ा सा इसमें चूंकि मैं जरा रुक के बोल रहा हूँ, यानी अगर आप एक प्रॉपर फ्लो में बोलेंगे इसमें आप देखेंगे कि रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स हो रही है, तो रेपिटेशन को तो हम इजीली एडिटिंग के अंदर कवर कर सकते हैं। तो बहरहाल ये है कि ये उर्दू टाइपिंग अगर आपको नहीं भी आती तो ये आपके लिए बड़ा एक मुआवन, जितनी आप क्लैरिटी के साथ बोलेंगे उतना इसका रिजल्ट अच्छा होगा। अब इससे नेक्स्ट सेगमेंट पे हम आते हैं, एक है स्क्रीन शेयरिंग का सेगमेंट। उसके लिए आपको क्या करना है, आप बेशक टाइप कर रहे हैं या वॉइस टाइप कर रहे हैं, ये गूगल का आईडी जो है आप इसको बहुत इजीली, चूंकि अब ये स्क्रीन शेयरिंग का फीचर है, ये अपना यहाँ पे जूम के ऊपर स्क्रीन शेयरिंग का फीचर है, तो इसके लिए मल्टीपल लोकेशंस आपको दिखाना ज़रूरी थी। एनी हो मैं बता देता हूँ कि आप एक ही आईडी जो अपनी कोड का, जैसे मैंने आपको बताया जीमेल का आपने क्रिएट किया हुआ है और आप उसको अगर एविडेंस रिकॉर्डिंग के वक्त यूज़ करते हैं, आप हॉर्ड स्टैनो को डिक्टेट करवा रहे हैं या वॉइस टाइप कर रहे हैं, वट एवर यू आर डूइंग, दोनों सूरतों में आप अपनी स्क्रीन जो है वो गूगल के फीचर के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि जिस फाइल के अंदर, सपोज ये आप स्क्रीन पे ये दिलशाद वाली ये फाइल जिसको मैं अभी ये क्लिक किया है, ये फाइल आपको नज़र आ रही है, ठीक है, आप इसके अंदर टाइपिंग कर रहे हैं या इसी के अंदर एविडेंस डिक्टेट करवा रहे हैं, तो ये फाइल आप जो है अपने यानी अगर स्टेनोग्राफर के कंप्यूटर के ऊपर भी यही फाइल ओपन है और ये आपके कंप्यूटर पे भी ओपन है या मल्टीपल लोकेशंस पे एक ही वक्त में यही फाइल सेम आईडी के अंदर पड़ी हुई ओपन है, तो एक तो ये तरीका है कि आप उसको जब सेम आईडी में मल्टीपल लोकेशन से सेम फाइल ओपन होगी तो उसके अंदर जितनी भी एडिटिंग्स चल रही होंगी वो सारी की सारी लाइव उन सब लोकेशंस पे डिस्प्ले हो रही होंगी। तो ये जो फाइल है इसको आप दोनों सूरतों में कर सकते हैं कि एक ही आईडी को
एक से ज्यादा लोकेशन पे लॉग इन करके तो वहां से डिस्प्ले करवा सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है। ज्यादा रिकमेंडेड ये है कि एक जगह पे एडिटेबल फाइल आपकी ओपन हो, जैसे कि ये मेरे यानी जिस आईडी की वो फाइल है उसी आईडी से आप ओपन करें, जो उसकी ओनरशिप वाली आईडी है उससे ओपन करें और किसी दूसरे आईडी को आप वो फाइल शेयर कर दें। अब शेयर का तरीका क्या है, जिस फाइल को शेयर करना है उसके आप देखेंगे राइट साइड पे ये थ्री डॉटेड लाइन है, इस पे आप क्लिक करेंगे और शेयर का ऑप्शन मिलता है। जब शेयर का ऑप्शन मिलता है तो यहाँ पे आप जो है यहाँ पे आप वो कर लें ईमेल आईडी जो है वो ऐड कर दें, जो भी फर्ज करिए मेरे साथ ही शेयर करनी है ये, ठीक है। इसको यहाँ से अब आगे पूछ रहा है कि इसकी नोयत क्या होगी शेयरिंग की, ये व्यूअर है, कमेंटर है या एडिटर है। तो अगर वो किसी दूसरी लोकेशन पे जस्ट आपका ऑब्जेक्ट है कि इसको डिस्प्ले करवाया जाए जस्ट, तो फिर आप इसको व्यूअर कर लें, ठीक है। एज अ व्यूअर ये फाइल जो है वो आप शेयर करके यहाँ से ये राइट एरो का है या ये आप शेयर कर देंगे उस आईडी के साथ, उनको उस ईमेल आईडी के ऊपर लिंक चला जाएगा शेयरिंग का, वो अगर एक्सेप्ट करेंगे तो ये फाइल जो है उनको उस साइट लोकेशन के ऊपर विजिबल हो जाएगी। तो जब आप इसके अंदर एडिटिंग कर रहे होंगे तो उसी लोकेशन पे जहाँ पे ये विजिबल होगी इसको विजिबल करवा लें ओपन करके, और मेन जो लोकेशन है जहाँ से आप इसको एडिट कर रहे हैं वहाँ पे आप टाइपिंग करें, वॉइस टाइपिंग करें, तो ये लाइव आपकी फाइल वहाँ पे डिस्प्ले हो रही होगी और दोनों वो क्लर्क को भी या इवन लिटिगेंट्स को पता चल रहा होगा कि वो जो फाइल है उसकी उसमें किस क्या टाइप हो रहा है। अगर कोई एरर है, कोई गलती है, तो वो भी ऑन स्पॉट जो है वो क्लियर हो जाएगी। अब ये फाइल शेयरिंग का फीचर भी आपसे मैंने शेयर कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट फीचर है, किसी भी वेबसाइट के ऊपर कोई कंटेंट पड़ा हुआ है वो आप सर्च करना चाहते हैं। आपको ये तो पता है कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की वेब के ऊपर प्री डिसीज सन के वाले से कोई जजमेंट पड़ी हुई है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो जजमेंट पड़ी कहाँ पे है। आप उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, उसकी कॉपी डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपका क्या प्रोसीजर होगा वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। आप सिंपल गूगल कीजिए, ठीक है, गूगल में आप आ गए। यहाँ पे मैं जैसे मैंने कहा प्री डिसीज्ड, ठीक है, ये प्री डिसीज्ड सर्च करना मैं चाह रहा हूँ कि कौन सी जजमेंट्स में ये लफ्ज यूज हुआ है। उसके बाद मैं लिखूंगा जो भी मैंने टेक्स्ट है, जो भी मेरा कीवर्ड है जिसको मैं सर्च करना चाहता हूँ, वो टाइप करने के बाद मैं लफ्ज लिखूंगा साइट। साइट लिखने के बाद मैं कॉलन, ये दो नुक्तों वाला जो कॉलन है वो डालूंगा, उसके बाद मैं उस वेबसाइट का यूआरएल वहां पे दे दूंगा, ठीक है। वो देने के बाद मैं इसको एंटर करूंगा। अब ये मुझे स्क्रीन के ऊपर, इसने गूगल ने सर्च करके सुप्रीम कोर्ट की वेब के ऊपर जितनी भी जजमेंट्स के अंदर ये प्री डिसीज का लफ्ज यूज हुआ है वो सारी की सारी शो कर दी है। इसको आप कोई भी फ्रेज, कोई भी टेक्स्ट उसके अंदर यूज कर सकते हैं और इस तरह से आप जो है इसको सर्चिंग के टूल को यूज कर सकते हैं। अब ये आसिया बीबी केस था, ये मैं सर्च करना चाह रहा हूँ। मुझे इतना तो पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, उनकी वेब पे मौजूद है, लेकिन ये नहीं पता कि कहाँ पे मौजूद है। मैंने जस्ट गूगल के अंदर आसिया बीबी टाइटल दिया
और साथ ही उसको साइट के फीचर के साथ उसको सर्च करवाया तो ये इसने मुझे ये डिस्प्ले कर दी जजमेंट, दैट्स ऑल। अब इसी तरह कोई स्टैट्यूट आप सर्च करना चाह रहे हैं कौमी असम्बली की वेबसाइट से, वैसे तो उनका अपना भी मैकानिज़म है और आप खुद से सर्च करना चाहें तो गूगल के थ्रू किसी भी वेब को आप सर्च करवा सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। अब टेररिज्म लफ्ज कौमी असम्बली की वेब पे अगर किसी जगह पे आया तो वो सर्च कर दे, ये अमेंडमेंट एक्ट उसने शो कर दिया, ये इस तरह से आप एक वेब को सर्च करवा सकते हैं। ठीक है जी, अब इससे आगे थोड़ा सा है कि अगर आप एक पर्टिकुलर फ्रेज को, नॉर्मली आप गूगल में सर्च करते हैं तो रैंडमली उस फ्रेज के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं वो जहाँ जहाँ उसको मिलते हैं वो किसी भी वेब पे हो, किसी भी उसमें यानी कंटेंट ऑनलाइन कंटेंट पे मौजूद हो तो वो उसको सर्च करके आपको डिस्प्ले कर देता है। लेकिन अब अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर फ्रेज हु बहू उसी तरह मिले जैसा कि मैंने टाइप की हुई है, उसको रेस्ट्रिक्ट करना चाहें तो उसी फ्रेज को आप इन्वर्टेड कॉमास में आप दे सकते हैं। जब आप इन्वर्टेड कॉमास में कोई फ्रेज ऐड करेंगे और उसको सर्च करेंगे वो सिर्फ वही आपको रिजल्ट्स देगा जहाँ पे हू ये वाली फ्रेज एग्जिस्ट कर रही है जिन रिजल्ट्स के अंदर। तो ये भी एक छोटी सी टिप थी, ये आपको हेल्पफुल हो सकती है अपनी सर्चिंग में। इसको आप इवन पाकिस्तान लॉ साइट में भी यूज करना चाहें इन्वर्टेड कॉमास के टिप को तो आप उधर भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इसके बाद कुछ चीज़ें थी, जैसा एक मैंने खुद से मेंटेनेंस कैलकुलेटर, मैं जब बतौर फैमिली जज काम करता था या एग्जीक्यूशन पटिशन जो हैं फैमिली केसेस में आती थी तो मुझे एक बड़ी टाइम टेकिंग जॉब लगती थी। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह डेटाबेस में ज़्यादा एक्सपीरियंस था, मैंने डेटाबेस में बहुत काम किया। अब तो खैर जब से सर्विस में आए हैं, अब 13-14 साल सर्विस में हो गए हैं तो हमने उसको डेटाबेस के फीचर को अपनी कोर्ट की हद तक तो यूज़ किया अपने केस रिकॉर्ड मैनेजमेंट के लिए। अब तमाम हाई कोर्ट्स ने अपने अपने लेवल पे कुछ ना कुछ उसका सिस्टम बिल्डअप किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और बल्कि बहुत अच्छा बिल्डअप किया हुआ है, आई अप्रिशिएट। तो लेकिन जो चीज़ मैंने उसमें बनाई कुछ मैं आपसे वो शेयर करूँगा। इसी के तनाजुर में एक चीज़ थी जो जैसे मैंने आपको बताया मेंटेनेंस कैलकुलेटर, जब हम एग्जीक्यूशन पटिशन आती थी तो उसमें कैलकुलेशन का इशू आता था। अब तो रिसेंटली एक जजमेंट उसके ऊपर ये मेंटेनेंस के वाले से ये भी आ गया कि कंपाउंड की बजाय फिक्स्ड इंक्रीज होना चाहिए, ऑनरेबल इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जजमेंट थी। तो उसके तनाजुर में मैंने थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर लिया, मेरा जो पहले कैलकुलेटर मैंने इसमें डिज़ाइन किया था एम एस एक्सेल में वो जो था वो सिर्फ फंक्शन करता था कंपाउंड इंक्रीज के ऊपर। कंपाउंड इंक्रीज मींस कि हम कहते हैं कि 1000 मेंटेनेंस अलाउंस पर मंथ फिक्स हुआ है विद 10% एनुअल इंक्रीज, तो कंपाउंड इंक्रीज के फार्मूले के तहत हर साल उसके रनिंग मेंटेनेंस अलाउंस के ऊपर 10% इंक्रीज लगाता था। यानी पहले साल के बाद जो है वो 1000 जो है वो 1100 हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर में जाके वो 1200 उसमें 10 हो जाएगा और इस तरह करके वो उससे नेक्स्ट जो है अकॉर्डिंगली यानी वो रनिंग के ऊपर 10% इंक्रीज वो करता था, तो उसको कंपाउंड कहते हैं। मैंने पहले तो कंपाउंड के फार्मूले के तहत कैलकुलेटर बनाया था लेकिन अब जो डेवलपमेंट हो गई है उसकी वजह से मैंने इसको इसमें यानी ऑप्शन दे दिया कि अगर कंपाउंड इंक्रीज का ऑर्डर उसने फैमिली जज ने किया या फैमिली कोर्ट ने किया तो वो कंपाउंड इंक्रीज के तौर पर कैलकुलेट करे, और अगर फिक्स्ड के साथ किया है यानी कि अगर 10% का ऑर्डर हुआ है तो हर साल गुजरने के बाद उसमें जो ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट जो जहां से स्टार्ट हुआ था उसका 10% इंक्रीज करता जाए। यानी अगर 1000 का 10% देखे तो एक साल गुजरने के बाद वो नेक्स्ट ईयर में जाके वो 1100 हो जाएगा, उससे नेक्स्ट ईयर 1200 हो जाएगा, उससे नेक्स्ट ईयर 1300 हो जाएगा। तो ये एक फिक्स्ड जो थी इंक्रीज थी। तो इसको मैं ये स्क्रीन शेयर करता हूँ अभी।
जी सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी इंटरप्शन हुई और अभी ये डिस्प्ले विजिबल जी। अच्छा, ये जो है ये स्क्रीन में अभी आपसे शेयर की है, ये मेंटेनेंस कैलकुलेटर मैंने एमएस एक्सेल में डिज़ाइन किया था। मेरी एक्सेल में भी अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग काफ़ी करता रहा थ्रू आउट, तो इसको मैंने यहाँ पे यूटिलाइज़ किया। तो ये इसका ये है कि आप सिंपली यहाँ पे स्टार्ट डेट, एंड डेट, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ मंथ, ये ऑटो कैलकुलेटेड आते हैं। जब आप स्टार्ट डेट सिलेक्ट करेंगे और जो एंड डेट है वो बाई डिफ़ॉल्ट आज के दिन की डेट होगी, और उसके बाद ये नंबर ऑफ मंथ ये खुद से उसमें कैलकुलेट करता है। उसके बाद हमने मेंटेनेंस अलाउंस जो फैमिली कोर्ट ने फिक्स किया वो यहाँ पे एंटर कर दिया, वो 5,000 है, 10,000 है, 50,000 है, व्हाटएवर इट इज़। उसके बाद उसका इंक्रीज जो रेशो है वो जितनी एनुअली फैमिली जज ने ऑर्डर किया वो आप यहाँ पे दे दें, या अगर एपरेट हायरार्की में कहीं से उसको रिवर्स चेंज किया गया, मॉडिफाई किया गया। तो इसी तरह अब आगे मैंने दो ऑप्शन ऐड कर दिए, एक है फिक्स्ड और एक है कंपाउंड। जब ये आप इस सेल पे देखेंगे, ये राइट साइड पे ये एक जो है बिल्कुल बॉटम में छोटा सा कैरो का सिंबल नजर आ रहा है, इस पे जब क्लिक करते हैं तो ये दो ऑप्शंस देगा, फिक्स्ड या कंपाउंड। अब मैं सबसे पहले डेट चेंज करता हूँ, इसको मैं 2017 से लेता हूँ, 2017 से इसको किया, ऑटोमेटिकली इसने नंबर ऑफ मंथ 72 कर दिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको 5,000 के बजाय मैं इसको 10,000 कर देता हूँ, और इंक्रीज परसेंटेज जो है वो मैं 10 की बजाय इसको 12% कर देता हूँ। जी, 12% इंक्रीज, और उसके बाद इसको ये है कि फिक्स्ड है या वो कंपाउंड है। अगर फिक्स्ड करूंगा तो ये रेट उसने लगा के 9,36,000 या 3 साल की आउट इसकी लायबिलिटी निकाली, और अगर इसको मैं कंपाउंड पे करता हूं तो ये 9,73,822, ये यानी ये रनिंग मेंटेनेंस अलाउंस के ऊपर जो इंक्रीज है, और उसके बाद जितनी उसमें से पे होगी है यहाँ पे वो, ये तो बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है, वो करके बैलेंस ये पेएबल आ गई। ये तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये जो है कैलकुलेटर का फीचर ये मैंने बनाया, और ये अल्हम्दुलिल्लाह जितनी एक माइनर की एज है उतनी एज तक के लिए ये हेल्पफुल होता है, इसको मैंने उतने इयर्स का इसमें फंक्शन दिया है। तो इसी के पैरेलल मैंने हमारी फेडरल जुडिशियल अकेडमी में आईटी का हैं एक हैं एक्सपर्ट जो एंड्रॉयड में काफ़ी महारत रखते थे, अमीर हमजा उनका नाम है, अभी इसी वेबिनार रूम में भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनकी मैंने खिदमात लेते हुए मैं इसको जो है मेंटेनेंस कैलकुलेटर के नाम की एक एप्लीकेशन डिज़ाइन करवा ली इसी पैटर्न के ऊपर, जो कि एमएस एक्सेल की कैलकुलेशन जैसे आपको मैंने स्क्रीन पे डिस्प्ले कराई हैं। तो उसको ये चूंकि एक ब्लू स्टैक्स का सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू मैं इसको एंड्रॉयड एनवायरमेंट में ऑपरेट कर रहा था, तो उसके अंदर ये चूँकि ये कंप्यूटर के अंदर प्रॉपरली वो फंक्शन नहीं करता, तो मोबाइल के ऊपर वो फंक्शन करता है, वो मैं एप्लीकेशन जो है APK फाइल होगी वो प्ले स्टोर के ऊपर तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपके उसमें व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वो शेयर कर दूंगा, आप उसको अपने एंड्रॉयड के ऊपर इंस्टॉल करके तो आप उसकी मदद से ये कैलकुलेशन का जो फीचर है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि उसके मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूँ ये स्क्रीन शेयरिंग करके। ये मेरी वो एंड्रॉयड की एप्लीकेशन है, इसको मैंने ओपन किया हुआ है, इसमें टॉप पे आप देखेंगे स्टार्ट डेट, एंड डेट, टोटल नंबर ऑफ मंथ्स, टोटल नंबर ऑफ मंथ्स ऑटो कैलकुलेटेड आता है, उससे नीचे ये जो है ये मेंटेनेंस अलाउंस, ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्लिकिंग में इशू आता है, इसमें ये प्रॉपर फंक्शन नहीं करता, अलबत्ता मोबाइल फ़ोन के ऊपर ये स्मूथ रन करेगी और प्रॉपरली कैलकुलेट करके आपको ये सारे जो आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो शो करेगी। अब एक और चीज़ है छोटी सी जो टिप है, हम किसी भी वेबसाइट को यानी हमें याद है कि आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले किसी साइट के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ था,
तो वो जो है वो भी एक जैसे यानी जिन्होंने ये सारी इन्वेंशन की हैं उन्होंने इसका भी एक जो है एक एक बनाया हुआ हब जिसके ऊपर जितनी भी वेबसाइट्स इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं उन सब की आर्काइविंग हो चुकी है और आप उनके फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ द वेब आज के दिन तक जो जो चेंजेस उस वेबसाइट के ऊपर की गई वो सारी की सारी डेट वाइज वहाँ पे आप उसको ट्रैक कर सकते हैं उसको देख सकते हैं। तो उसके लिए आपका सिंपल प्रोसीजर है, ये मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप गूगल करेंगे वेब आर्काइव, ये वैसे भी उसमें शो हो रहा है ये जो है URL वेब आर्काइव web.archive.org, ये एक URL है, आप इसको ओपन करेंगे। इसके अंदर आपसे पूछ रहा है कि जो भी वेबसाइट जिसकी आप हिस्ट्री देखना चाह रहे हैं कि ये कब क्रिएट हुई, कब इसमें चेंजेस आई, कोई किसी खास स्टेज पे कोई डॉक्यूमेंट उस वेब पे एग्जिस्ट कर रहा था और आज एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो आप वो भी डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको वो मिल सकता है। अब मैं जैसे यहाँ पे वेब आर्काइव में लाहौर हाईकोर्ट की वेबसाइट का मैं एड्रेस एंटर करके एंटर करता हूँ, जितनी अच्छी स्पीड होगी ये उतनी परफेक्शन के साथ उतनी स्पीडीली आपको ये अच्छा रिजल्ट देगा। ये अभी ये देखिए ये इस वेबसाइट की पूरी हिस्ट्री जो है ईयर वाइज ये शो कर रहा है, ये स्क्रीन पे देखिए मैंने वेब आर्काइव में देखा किसी पर्टिकुलर ईयर में मैं जाता हूँ, ये 1999 में ये वेबसाइट क्रिएट हुई थी, ये जहाँ पे आपको ग्राफिकल शेप में ये डिज़ाइन इसका नज़र आ रहा है, तो ये जहाँ से स्टार्ट लिया था वहाँ से ऑनवर्ड जब जब इसमें चेंजेस आती रही वो आपको एक ग्राफ की शक्ल में शो हो रही हैं। तो हम इसका बिल्कुल स्टार्ट जो 1999 वो इसका इंटरफेस देखना चाहते हैं, तो जब मैंने 1999 पे क्लिक किया तो इसमें मुझे ये कैलेंडर नीचे शो कर रहा है, इसमें ये कुछ डेट्स हैं जो बोल्ड हैं, जो बोल्ड डेट्स हैं इसका मतलब ये है कि उन तारीखों पे इस वेबसाइट पे कुछ काम हुआ ऑनलाइन। तो इसमें से मैं कोई एक उठा लूँगा, इस पर क्लिक करूँगा तो ये उसके साथ ही मुझे अब ये 1999 में जो इसकी लाहौर हाई कोर्ट की जब वेबसाइट क्रिएट हुई थी उस वक्त का जो इंटरफेस था वो आज तक इसकी वेब आर्काइव की जो है इसका डेटाबेस उसके अंदर ये स्टोर्ड है, और इवन उसके जो कंटेंट्स थे जो ऑनलाइन जो फाइल्स अपलोड की गई थी वो भी सारी की सारी मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। तो जितनी अच्छी स्पीड आपके इंटरनेट की होगी उतनी तेज़ी के साथ ये वेब आर्काइव, चूँकि ये एक सेकंड मोड में जाके उसको वेबसाइट्स को ओपन करता है एक्सेस करता है। ये देखिए अब ये जो डिज़ाइन था जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है ये बहुत पुराना डिज़ाइन है लाहौर हाईकोर्ट का,
ये 1999 का जब ये साइट क्रिएट हुई थी, ये उस वक्त का है। अब इसमें मैं जजेस पे क्लिक करता हूँ तो फर्दर हमें जी ये उस वक्त के जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे वो उनका सबसे टॉप पे उनका आ गया नेम, और इसी तरह जो जजेस थे। और ग्रेजुअली जो इस वेबसाइट पे चेंजेस आती गई, ये हम ये जो ऊपर वाला ग्राफ है जो आपको मैंने जिसको इंडिकेट किया, जब हम उसके थ्रू इस पे क्लिक करेंगे किसी पर्टिकुलर डेट पे जाएंगे तो उस डेट की जो कंडीशन उस वेबसाइट की थी वो हमें ये डिस्प्ले करेगा, और उसके ऊपर जो अवेलेबल कंटेंट था मोस्ट ऑफ द टाइम वो भी मिल जाता है, समटाइम्स नहीं भी मिलता। तो एनी हाउ इट इज़ वन ऑफ द वंडरफुल थिंग्स। अब इससे आगे आ जाते हैं, एक है फीचर हाइपर लिंक्स का, वो मैं बहुत पसंद करता हूँ उसको इस्तेमाल करना। वो इसलिए है कि नॉर्मली हमारे जो कंप्यूटर के अंदर जितनी भी हमारी फाइल्स पड़ी होती हैं, अगर उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है तो हमें सर्चिंग करते हुए बार बार जब हम विंडोज़ के सर्च फीचर को यूज़ करते हैं तो वो एक टाइम टेकिंग जॉब होती है। तो उसको कर्टेल करने के लिए मैं जो है ये आपसे ये छोटी सी उसकी एक टिप शेयर करता हूँ। ये ना मैं जरा स्पीकर व्यू भी कर लूं।
अब आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे एक विंडो ओपन होगी, उसमें आपको क्यूआर कोड डिजाइन करने का ऑप्शन देगा। अब आपने करना क्या है कि आप चूंकि इस फाइल की लोकेशन शेयर करना चाह रहे हैं कि जब भी उस क्यूआर कोड को हम स्कैन करें मोबाइल के थ्रू या किसी भी डिवाइस के थ्रू, तो हमें पता ये बता दे कि ये फाइल जो है किस पर्टिकुलर लोकेशन पे एग्जिस्ट कर रही है। वो ऑनलाइन भी हो सकता है, वो आपका लोकल ड्राइव भी कंप्यूटर का हो सकता है। तो आप जस्ट फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इन्फो पे आ जाएंगे। इन्फो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी कॉपी पाथ। इस फाइल का आपने पाथ कॉपी कर लिया, फाइल, फाइल के बाद इन्फो, इन्फो के बाद कॉपी पाथ। वो कॉपी करने के बाद ये जो राइट साइड पे आपको स्क्रीन नजर आ रही है, सबसे पहले तो आप इसकी लोकेशन देखिए कि आपने इसको क्यूआर कोड को प्लेस कहाँ पे करवाना है। ये अब मैं बॉटम में कर रहा हूँ, इसको मैं डबल क्लिक किया, ये फुटर के तौर पे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैंने डबल क्लिक करके फुटर पे कर दिया, मैं यहाँ पे टाइप करूंगा तो इधर होगा, लेकिन मैं चूंकि इधर क्यूआर इंसर्ट करना चाह रहा हूँ तो राइट साइड पे ये जो बॉक्स ओपन हुआ है इसमें मैं सबसे डाउन पे अगर कोई और इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ। क्यूआर को जब हम स्कैन करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होगी, लेकिन चूंकि मैं यहाँ पे इसकी फाइल की लोकेशन देना चाह रहा हूँ तो मैं इस पे कस्टम पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद इसमें वो जो इसका एड्रेस है वो मैंने पेस्ट कर दिया, और ये देखिए ये यहाँ पे आपको राइट पे ये क्यूआर कोड जनरेट हो गया। अब मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ, बिल्कुल छोटे साइज में भी, माइक्रो साइज में भी करना चाहूँ तो ड्रैग करके छोटे साइज में भी इंसर्ट कर सकता हूँ। अब ये जो क्यूआर कोड है ये आपके डॉक्यूमेंट के हर पेज पे आ जाए तो अच्छा है, नहीं तो एटलीस्ट एक किसी एक पेज पे इसको प्लेस करवा दे जो एज पर सूटेबिलिटी। तो इसके साथ ये होगा कि जैसे ही आप इसको स्कैन करेंगे आपको इस फाइल की लोकेशन का पता चल जाएगा कि आपके कंप्यूटर में किस लोकेशन पर यह फाइल सेव्ड है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी हेल्पफुल फीचर। अब हम लास्ट फीचर की तरफ आते हैं, मिनट भी थोड़े ही रह गए हैं, पता नहीं आप लोग एंजॉय कर रहे हैं या कि इरिटेटिंग ना हो जाए। एनी हो मैं कोशिश करता हूँ इसको जल्दी वाइंड अप करूँ। तो ये जो लास्ट फीचर है वो है चैट जीपीटी का। चैट जीपीटी का जो फीचर है ये एक बड़ी बेहतरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इन्वेंशन है आज के दौर की। ये नवंबर 2022 में इसको तकरीबन प्रैक्टिकली लॉन्च किया गया जब फॉर जनरल पब्लिक। तो ये एक एप्लीकेशन है, एक किस्म का चैटिंग सॉफ्टवेयर है। ये आपसे इंस्ट्रक्शंस लेता है, आपसे क्वेश्चंस आप उसको रेज करते हैं, कोई एक क्यूरी डालते हैं कि भाई इस चीज़ के बारे में मुझे बताओ, तो ये आपको उसी तरह आंसर करता है जैसे एक ह्यूमन बीइंग आंसर करता है। तो मैं चैट जीपीटी आपको बताता हूँ सिंपली, इसको आप गूगल करेंगे, वैसे तो लिंक भी मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उससे बड़ा इजीली आप इसको ओपन कर सकेंगे। लेकिन आप गूगल करेंगे वहाँ पे चैट जीपीटी लिख दें या ओपन एआई लिख दें, दोनों सूरतों में ये सर्च हो जाता है। मैं बल्कि स्क्रीन शेयर करके करता हूँ, वो आपके लिए ज़रा इजी होगा। अब ये देखिए, ये गूगल में कर रहा हूँ, इसमें मैं चैट जीपीटी वो कर दिया और उस पर के बाद क्लिक किया, ये नेक्स्ट विंडो ओपन हो गई, इसमें मुझे राइट चैट जीपीटी इस पे मैंने क्लिक करना। अब क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक आईडी लॉगिन है तो इसलिए मैं स्ट्रेट अवे मुझे ये चैट जीपीटी के इंटरफेस पे ले गया। इसमें जो रिसेंटली एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई, हमारे एक बड़े डायनामिक जैसा मैं हमारे सीनियर बड़े भाई हैं आमर मुनीर साहब, मंडी बहाउद्दीन में पोस्टेड हैं, उनकी जो नेशनल लेवल पे वो एक बड़ी वायरल हुई, वो एक प्रैक्टिस थी जो जिसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाना चाहिए और इनक्रेज किया जाना चाहिए। है वो सिंपल एक प्री रेस्ट बेल का ऑर्डर था और उस ऑर्डर में उन्होंने चैट जीपीटी की मदद ली, यानी उन्होंने डिफरेंट क्यूरीज इससे क्वेश्चन रेज किए उस केस के एस्पेक्ट्स के वाले से कि इसमें मुझे बेल देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। डिफरेंट क्वेश्चन उन्होंने रेज किए, कोई 20 के करीब क्वेश्चन थे वो भी, बल्कि मैं जजमेंट इधर मेरे पास ही है, वो भी मैं आपको डिस्प्ले करवाता हूँ। तो उन्होंने उसमें मल्टीपल क्वेश्चन रेज किए और इससे चैट जीपीटी की मदद से उसके आंसर लिए
और जो जो आंसर उनको मिले उन्होंने वो सारे के सारे हूबहू उसको प्लेस कर दिए अपने उस ऑर्डर के अंदर। वो खैर है तो बेल का ऑर्डर था लेकिन वो एक जजमेंट तकरीबन बन गई चूंकि वो लेंथ की उसके वो रिस्पॉन्सिस थे। मकसद जाय साहब का यही था कि चैट जीपीटी की जो इम्पोर्टेंस है उसका जो रोल है हमारी जुडिशल वर्किंग में वो इंडिकेट किया जाए। तो ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये उनकी जजमेंट का रेलिवेंट पोर्शन है जिसमें उन्होंने इसको इंडिकेट किया। और यहाँ पे ये उनका पहला क्वेश्चन शुरू होता है, वो कहते हैं कि मैंने चैट जीपीटी को क्वेश्चन किए इस ऑर्डर के वाले से, इस केस की जो प्रपोजिशंस हैं उसके वाले से, ये डिफरेंट क्वेश्चंस उन्होंने लिखे और उसके जो आंसर्स मिले वो भी उन्होंने उसके अंदर प्लेस किए। तो ये तकरीबन को 20 के करीब क्वेश्चंस थे और उसके आंसर्स इसने परफेक्टली दिए। अब मैं उसी चैट जीपीटी की विंडो पे वापस जाता हूँ। सॉरी, ठीक, अच्छा, चैट जीपीटी की विंडो पे हम आ गए। अब यहां पे आप देखेंगे ये इसके बॉटम में आपको पूछ रहा है सेंड अ मैसेज, यानी ये लेफ्ट साइड पे जितनी भी क्यूरीज इससे पहले आप पूछ चुके हैं जिस आईडी से आप लॉग इन है वो सारी की सारी आपको लेफ्ट साइड पे वो क्यूरीज और उनके आंसर्स वो डिस्प्ले हो रहे हैं। जो इसके राइट साइड का पोर्शन है उसमें ये थोड़ा सा इसके इंट्रो के वाले से है कि एग्जांपल्स दी गई हैं कि ये चैट जीपीटी क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, उसके बाद सेंटर में इसकी कैपेबिलिटीज हैं और फिर इसकी लिमिटेशंस हैं। जैसे कि अब आप मेडिकल का कोई इससे एडवाइस लेना चाहें तो ये आपसे माजरत करेगा क्योंकि उसमें रिस्क ऑफ लाइफ इन्वॉल्व होता है, तो ये हमारे से बहुत ज़्यादा वो इन चीज़ों को फोकस करते हैं जिन्होंने इसको इन्वेंट किया है कि इसको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को जो है उससे बचने के लिए। वो मेडिकल की जो आपकी कोई क्यूरीज हैं कि आपको एडवाइस सीख करें तो वो तो आपको नहीं देगा, वो मदद करेगा, लेकिन बाकी प्रैक्टिकली आप इसकी मदद से कोई भी क्वेश्चन इसको करते हैं, जैसे हम कहते हैं व्हाट इज द करंट कॉन्सेप्ट ऑफ कन्विक्शन ग्राउंड्स इन पाकिस्तान, वो इसमें आगाज में कुछ ऐसी पर्टिकुलर की टर्मिनोलॉजी या आपकी क्यूरी इस तरह की होगी जिसको ये थोड़ा सा फील करे कि इसके अंदर कोई, यानी एक किस्म का डिस्क्लेमर ये पहले टाइप कर देता है कि जी मैं वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टूल हूँ, मेरे से गलती हो सकती है, मैं कोई बहुत ज़्यादा उस तरह एक्सपर्ट नहीं हूँ और मेरा जो इन्हिसार है वो अवेलेबल डाटा के ऊपर है जो ऑनलाइन है और उसकी मदद से मैं जो आपको बेस्ट हेल्प कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। तो वो आपकी क्यूरी को कोशिश करता है कि एक्यूरेटली रिस्पॉन्ड करे। अब जैसे यहाँ पे हम करते हैं राइट 10 एमसीक्यूज ऑफ पाकिस्तान स्टडीज, आपको पेपर बनाना चाहते हैं, कोई और आर्टिकल लिखना चाहते हैं, तो ये आप इसकी चैट जीपीटी की मदद ले सकते हैं। बल्कि मैं तो चूंकि प्रोग्रामिंग से मेरा बहुत वास्ता रहा किसी दौर में और सर्विस में आने के बाद तो मैं उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, तो प्रोग्रामिंग के वाले से ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इसमें हम किसी भी किस्म की प्रोग्रामिंग इसको जो है डायरेक्शन दें, इसको इससे डिमांड करें तो ये वो भी करता है। तो मेरा ख्याल है कि इसके साथ ही हम आज का अपना जो सेशन है वो एंड करते हैं, और बल्कि एंड करने से पहले मैं आपसे अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्यूरीज हैं तो वो मैं आपको इनवाइट करना चाहूँगा। प्लीज़ जो हैंड रेज्ड हैं मैं उनको वन बाय वन रिक्वेस्ट करता हूँ कि अनम्यूट करके अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो वो पूछिए प्लीज़। ये सबसे पहले हैं अजहरुद्दीन साहब। जी अजहरुद्दीन साहब बोलिए। जी सर, I have no any question. It is clear what you have taught us today. Okay. Did you get the ideas and concepts shared?
Yes, sir. I very much got the idea, whatever you shared with us today. Okay. Thank you very much. अच्छा चले, मेरा ख्याल है कि ये हैंड रेज तो होते रहे हैं और अब उसमें से आई कांट अंडरस्टैंड, लेकिन यह है कि वीडियोस जो मेरे पास विजिबल हैं उसमें मैं गैस कर सकता हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए, अगर कोई पूछना चाहते हैं तो मैं उनको अनम्यूट की। जी, ये हैं शहाबुद्दीन साहब, एक मिनट, शहाबुद्दीन साहब को मैं करता हूँ रिक्वेस्ट। जी शहाबुद्दीन साहब। सर इसमें एक ये चीज मालूम करनी थी, जैसे आपने लास्ट में बताया था चैट जीपीटी का इस्तेमाल, तो जी। उसमें किस हद तक एक्यूरेसी रहती है और उसको प्रॉपर तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि हम काफी जगह पे ना इसको इस्तेमाल करने का तरीका नहीं जानते। हम ऐसे ही क्वेश्चन यूजफुल लिख देते हैं तो आगे से रिप्लाई कर देते हैं कि भाई ये हमसे तो नहीं हो सकेगा, तो किस तरीके से हम चैट जीपीटी को इस्तेमाल कर सकते हैं और किस हद तक ये ऑथेंटिकेट होगा? ये देखिए, इसमें जो एक चीज है कि आप जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है कि आपने इस पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, ठीक है। ये सबसे इसकी जो बेसिक जो है ना थ्योरी वो ये है कि एन मुमकिन है कि आपकी क्यूरी जो है वो उस तरह से उस प्रॉपरली उसको अंडरस्टैंड है, तो ये कंप्यूटर ही है ना, ये ह्यूमन बीइंग तो नहीं है, लेकिन ये है कि इट इज़ परफॉर्मिंग जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग। और इंशाल्लाह जैसे आपने वो देखा है, मैंने दो तीन छोटी छोटी क्यूरीज की हैं, जितनी आप उसमें अपनी लैंग्वेज को एक्यूरेट करेंगे, जितनी वो अंडरस्टैंडेबल होगी, जितनी वो क्लियर होगी, उतना ज्यादा जो चांस है कि वो प्रॉपरली आपकी क्यूरी को रिस्पॉन्ड करे। तो ये सारी की सारी प्रैक्टिसेस के साथ हैं। अभी चूंकि आप स्टार्ट में जब जिस अंदाज में आप क्वेश्चन करते हैं, मुमकिन है वो लैंग्वेज का कोई जो है वो फैक्टर इस तरह का हो कि उसकी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड जो है वो चैट जीपीटी के जो जो डिजायर्ड सिनेरियो के मुताबिक ना हो, तो वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो बहरहाल आप जितनी एक्यूरेट और जितनी प्रिसाइज अपनी क्यूरी को रखेंगे उतना ये अच्छे से उसको परफॉर्म करेगा। जैसे ये जो यानी आपने जो क्वेश्चन किया है, जज साहब ने जैसे उसमें कहा जी मैंने 20 क्वेश्चन रेज किए जिसमें से 18 क्वेश्चन के आंसर करेक्ट थे, तो वो मैं जजमेंट भी शायद आपके पास ऑलरेडी मौजूद होगी, वो बड़ी एक वायरल हुई थी, लेकिन मेरे पास ये मैं ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ, तो उससे भी आपको थोड़ी सी गाइडेंस मिलेगी कि उन्होंने किस तरह से क्वेश्चन किया और चैट जीपीटी ने आंसर क्या किया, तो वो जो है ना वो भी एक चीज है इंशाल्लाह। जी जनाब, कोई और? ये डिस्ट्रिक्ट तोरगर से उनका नाम तो नहीं है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी जनाब, आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं अनम्यूट की, एक मिनट। जी सर, सर आई एम अहमद रशीद एंड करेंटली आई एम पोस्टेड एज अ सिविल जज एट डिस्ट्रिक्ट तोरगर केपीके। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर सच एन इंफॉर्मेटिव सेशन। सर कोई ऐसा पोर्टल या कोई ऐसी वेबसाइट, ऐसी रिपोजिटरी जहां से हम लोग जजमेंट्स को, प्रिसिडेंट्स को एक्सेस कर सकें एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकें? फ्री ऑफ कॉस्ट का जो है ये तो अब इस करंट जो सिनेरियो में तो इस वक्त मैंने बहुत ज्यादा उसको ट्राई की है। ये आपको जजमेंट्स तो मुश्किल ही है, चूंकि उसके लिए जो पूरा एक उसको एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करना पड़ता है, सर्चिंग के आपको डिफरेंट वो देने पड़ते हैं, फीचर्स देने पड़ते हैं, और जजमेंट्स को प्रपोजिशंस के वाले से भी सर्च करना होता है। तो नॉर्मली तो वो जो है वो जितनी भी हैं ये इंडिया की हैं या पाकिस्तान की जो हमारे मोस्टली रेलिवेंट हैं वो तो सारी पेड हैं। तो बाकी इसके अलावा हमारे पास कुछ वेबसाइट्स के लिंक्स हैं जो आपके लिए, जो आपकी क्यूरी को रिस्पॉन्ड करने के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, वो भी मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। जी क्लियर? मेरा ख्याल अभी फिल वक्त तो कोई क्वेश्चन और मुझे कहीं से नजर नहीं आ रहा, अगर कोई है तो प्लीज उसको मैं ग्रुप में बेशक मैसेज कर दीजिए या मुझे पर्सनल मैसेज करना चाहे तो वो कर दीजिए। तो इसके साथ ही आपकी इजाजत से इसको एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी, मे अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।